गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों हम देखते हैं एसएससी जीडी में जिन जिन स्टूडेंट के 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जिन स्टूडेंट के 60 नंबर आ रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूँ, और साथ में ये भी बताऊँगा कि क्या इन स्टूडेंट का फाइनल तक मतलब मेडिकल के बाद क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा या 60 नंबर पे ही लटक जाएंगे, ठीक है। तो सारा एक चीज़ मैं बताऊंगा कि केवल या तो केवल फिजिकल निकालेंगे या उनका फाइनली भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सभी स्टेट, जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, सब स्टेटों का मैं लेकर आया हूँ, सभी का मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना कई चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप छूट जाएगा आपसे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, बात ये है कि 60 नंबर वाले जो हैं, ठीक है, 60 नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं, क्या उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन मतलब कि जब आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद जब एक मेरिट बनती है, तो क्या 60 नंबर वाले जो हैं क्या उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा बात ये है दोस्तों कि जो 60 नंबर वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसमें मेल हैं, फीमेल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल का क्या फिजिकल ही होगा, क्या वो फाइनल सिलेक्शन तक निकाल पाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जिनसे वो फाइनल निकाल लें, या ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये बात हुई, या आप मान के चलिए कि जो भी आपके क्या कहते हैं फीमेल हैं, तो क्या फीमेल का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार में 60 नंबर पे। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एक एक करके, और शायद इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका फिजिकल होगा, आपका फाइनल होगा, या मतलब आप केवल फिजिकल में ही रह जाएंगे, या मोस्टली आपका आगे फाइनल भी हो सकता है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, मैं सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा, मेल फीमेल दोनों का बताऊंगा, ठीक है, सभी स्टेट का बनाऊंगा, सभी यूनियन टेरिटरी का बताऊंगा, कोई एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी छूटेगा नहीं। तो हम चलते हैं पहले अपने, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट आते हैं, कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट आते हैं, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। साउथ इंडियन के देख लेते हैं स्टेट, कर्नाटका हो गया, केरला, अगर कुछ नाम छूट गए हो तो आप समझ जाना नॉर्थ इंडियन में कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या स्टेट आते हैं। साउथ इंडियन में देख लीजिए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, इतने जो स्टेट आ रहे हैं, अब प्लस जम्मू कश्मीर एक हो गया उड़ीसा, एक हो गया वेस्ट बंगाल। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। तो ये जितने स्टेट हैं तो इसमें क्या 60 नंबर पे क्या पोजीशन होगी, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि 60 नंबर में क्या पोजीशन होगी। तो दोस्तों ये नॉर्थ मेल हो आप या फीमेल हो, मेल हो या आप फीमेल हो, अगर 60 नंबर तक आ रहे हैं आपके, ठीक है, अगर 60 नंबर आ रहे हैं, अगर जिनके 50-55 आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूंगा 55 नंबर, 60 नंबर आ रहे हैं तो आपका नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में बता दूं आपका 100%, ठीक है, आपका 100% फाइनल तक सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अगर इन स्टेटों से आ रहे हैं और 60 नंबर आ रहे हैं तो अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ में मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये भी तीन स्टेट में अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, चाहे आप मेल से हों चाहे आप फीमेल से हों, ठीक है, चाहे आप मेल से हों चाहे आप फीमेल से हो, आपका 100% आपका फाइनल 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फाइनली आपका 100% 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपका, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं दोस्तों रोक सकता, फाइनली मेडिकल वेरिफिकेशन में इन स्टेट से अगर आप आ रहे हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। 60 नंबर पे कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप ये मान लीजिए 99% आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन स्टेट से आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके 55 नंबर आ रहे हैं,
इन स्टेट से जिनके 55 नंबर आ रहे हैं या 50 नंबर आ रहे हैं उनका क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जिनका मान लीजिए कि 45 नंबर आ रहे हैं इन स्टेट से, तो मैं आपको बता दूं आपके नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं या 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं या इधर 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो श्योरली है कि आपका यहाँ फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप मेल से हों चाहे आप फीमेल से हों। तो इनका कोई गुंजाइश ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में आप लोग के मार्क्स बढ़ जाएंगे तब भी आप 60 के बराबर बन सकते हैं, और वैसे भी आपका जो इन स्टेट से है तो 55 से 60 ही जाना है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो है वो 50 से 60 में मान के चलो, नॉर्थ ईस्ट में 50-50 में मोस्टली जगह सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें कुछ इंक्लूड कर लूँ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये ठीक है, पौंडीचेरी, अब इन स्टेटों का क्या हाल है? इन स्टेट का भी बिल्कुल से एज इट इज है, 60 नंबर पे मेल और फीमेल आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बस एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। ठीक है, इनको हटा के आप यूनियन टेरिटरी सभी को इंक्लूड कर ले, जो जो होते हैं यूनियन टेरिटरी, दादरा नगर हवेली जो भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम ठीक है, और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ गोवा को भी इंक्लूड कर ले आप, गोवा भी एक स्टेट है तो इसको भी आप इसी में इंक्लूड कर लीजिए, जिससे कोई स्टेट छूटे नहीं। ठीक है, जिससे कोई स्टेट छूटे नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इसको आप यहाँ क्या है, पंजाब ऐड कर लीजिए। ठीक है, पंजाब भी छूटे नहीं इस बार। तो आप जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, तो अगर आप इन स्टेट से आते हैं, अगर आप इन स्टेट से आते हैं दोस्तों, तो आपकी क्या पोजीशन है 60 नंबर पे? तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, अगर 60 नंबर आपके आते हैं इन स्टेट से हैं, ठीक है, इन स्टेट से हैं 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मैं दो स्टेट को छोड़ के, मैं आपको दो स्टेट को छोड़ के पंजाब को ऐड कर देता हूँ, पंजाब, इन दो स्टेट को छोड़ के दोस्तों, इन दो स्टेट को छोड़ के, ठीक है, तीसरा पंजाब, रुक जाइए, पंजाब, इन तीनों स्टेट को छोड़ के मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र गुजरात की। महाराष्ट्र गुजरात में दोस्तों अगर आपके 60 आ रहे हैं, ठीक है, 60 प्लस आ रहे हैं, आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी के हो, जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हैं, कोई भी आप कैटेगरी के हो दोस्त, तो आपका फाइनली सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 60 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है माइनर ऐसा हो सकता है कि दो नंबर या लगभग 3 नंबर के करीबन और थोड़ा कट ऑफ ऊपर चले जाए, पर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन में सभी के मार्क्स अच्छे बढ़ते हैं तो 2 से 3 नंबर और बढ़ सकता है, 4 नंबर और बढ़ सकता है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन में नंबर इतना बढ़ेगा तो ओवरऑल सभी के नंबर बढ़ेंगे, तो जिनके भी हाल ही में 60 नंबर आ रहे हैं या 55 नंबर आ रहे हैं, तो उनके भी लगभग 60 या 62-63 हो सकते हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन में मोस्टली सबका नंबर बढ़ता है। ठीक है, मोस्टली 80% लोग का नंबर बढ़ता है, सभी का तो नहीं नंबर बढ़ेगा, आप तो ये तो आपको ही पता है। तो अब हम सबसे बड़ी बात ये देख दोस्तों देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि अब बचा जो झारखंड छत्तीसगढ़, अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप नॉर्मलाइजेशन का बता रहे हैं, अगर आपके 50 नंबर हैं महाराष्ट्र गुजरात से, 55 नंबर हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके 10 नंबर 15 नंबर बढ़ के 60 कर सकते हैं या 62 कर सकते हैं, तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। तो जिनके 50-55 आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल घबराए नहीं, उन लोग का भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब, दोस्तों ये जो तीन राज्य हैं, ये जो तीन राज्य हैं झारखंड छत्तीसगढ़ पंजाब जो है, तो इनका क्या होने वाला है दोस्तों? ठीक है, तो इनका 60 नंबर पे क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेल से हैं फीमेल से हैं, ठीक है, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, मेल से हैं आप फीमेल से हैं, तो मैं आपको बता दूं 60 नंबर पे चाहे कोई भी कैटेगरी के हों, जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ठीक है, कोई भी कैटेगरी के आप हों, आपका मैं बता दूं, आपका फिजिकल तो देखिए कोई नहीं रोक सकता, फिजिकल आपका कोई नहीं रोक सकता, अगर 60 नंबर आ रहे हैं आसपास आ रहे हैं, 58-57-60 के करीबन आ रहे हैं आपके, तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा फिजिकल आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, किस कोई रोक नहीं सकता। अब बचा क्या कि इन स्टेट में पंजाब को भी मैं इंक्लूड कर लूँ, अगर अब मैं बात करूँ आपका फाइनल सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन की, तो मैं मेल की बात करूँ दोस्तों, मेल की बात करूँ, ठीक है, मेल की मैं बात करता हूँ, पंजाब को अब इंक्लूड कर लो, मेल की बात करता हूँ,
तो मेल में क्या है, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं और एसटी से हैं, ठीक है, तो आपका कट ऑफ आपका क्या होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए? देखिए मैं बता रहा हूँ, फिजिकल तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी हो, कैटेगरी से कुछ भी हो, लेकिन फाइनल के लिए क्या हो सकता है? तो फाइनल के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जनरल से हैं, अगर आपके जनरल से हैं तो फाइनल के सिलेक्शन होने के आपके मैं बता दूँ लगभग दोस्तों 80% चांस है, ठीक है, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए मैं बता दूँ लगभग 85% सिलेक्शन है, ठीक है, और एससी एसटी के लिए बता दूँ 95% आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, 80% मैं थोड़ा कम बोल दिया, मैं इसको 85% बोल देता हूँ, इसको 90% बोल देता हूँ और यहाँ मैं इनको 98% बोल देता हूँ, मतलब लगभग आपके 10-12% आगे पीछे हो सकते हैं 60 नंबर पे, बाकी आपका फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो मैं इनका नंबर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, कितना नंबर तक जा सकता है फाइनली सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों अगर आप मेल में हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, तो आपके 60 नंबर पे क्या पोजीशन है, 60 नंबर पे आपका पोजीशन क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर आप इन स्टेटस से हैं तो आपका जो है जनरल का मैक्सिमम देखिए दोस्तों 65 तक जा सकता है, ठीक है, 60 से 65, 62-63, 65 तक जा सकता है इन स्टेटों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, 65 तक तो जा सकता है, इसका आप 63 मानिए, इसका आप 60 मानिए और इसका आप 58 मानिए, ठीक है। तो देखिए आप लगभग 60, इनका तो फाइनली इनका तो 100% है कि मोस्टली हो जाएगा, बचा ये। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो 80% 70% ऐसे होंगे कि 2 से 3 नंबर आपके ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है, 2 से 3 नंबर आपके ज़रूर बढ़ेंगे और फाइनली आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेट के लिए मैंने बता दिया, अब बचा फीमेल। फीमेल के लिए बता दूँ, पंजाब को भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो फीमेल में अगर आपके 60 आ रहे हैं तो चाहे आप जनरल के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, आपका फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फीमेल के हैं आप तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट है वो है इन स्टेट से, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि 60 नंबर पे मेल की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, तो क्या 60 नंबर पे इनका फिजिकल निकल जाएगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि क्या 60, अभी तो इन फाइनल की तो बात हटाओ, फाइनल की तो बात हटाओ, मैं फाइनल की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या इनका फिजिकल निकल जाएगा 60 नंबर पे? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फीमेल से हैं, अगर आप फीमेल से हैं और सिर्फ दो स्टेट को हटा दो, हरियाणा को हटा दो, राजस्थान को हटा दो, ठीक है, हरियाणा राजस्थान को अभी एक बार एक किनारे कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है, फिजिकल की। तो अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो मैं आपको बता दूं 60 नंबर पे अगर फीमेल है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सॉरी फिजिकल हो जाएगा, आराम से फिजिकल निकलेगा। अब हम बात करते हैं इन स्टेटों की, हरियाणा राजस्थान की, ठीक है, फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो मैं आपको बता दूं आपका कहीं ना कहीं 65 तक जा सकता है, 65 तक आपका फाइनल। फीमेल के लिए मैं आपको बता दूं आपका लगभग 62-63 तक जा सकता है, ओबीसी का लगभग 60 तक जा सकता है, एससी का आपका 59 तक जा सकता है और एसटी का 57 तक जा सकता है। तो अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे तो आपका फिजिकल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिजिकल के लिए, देखिए फाइनल के लिए दोस्तों बाद में बात करेंगे, अभी हम फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में बचा क्या? फिजिकल में दोस्तों जो अब बचा वो बचा मेल। तो मेल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप इन स्टेट से आते हैं तो बाद में बात करूँ, अगर आप इन स्टेट से आते हैं तो कितना कट ऑफ जा सकता है मेल के लिए, मतलब फिजिकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अगर आप मेल से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो मैं आपको बता दूँ आपका फिजिकल का क्या हो सकता है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, तो आपका फिजिकल क्या हो सकता है? तो अगर आपका 60 तक जा रहा है तो मैं आपको बता दूँ कम से कम आपके 65-67 आने चाहिए, इतने नंबर आएंगे तब आपका फिजिकल निकलेगा, ठीक है, 65 से 67, यहाँ आपके 63 नंबर, यहाँ आपके 60 नंबर, यहाँ आपके 59 नंबर, इतने नंबर तक आप अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल निकलेगा। इट मीन्स दैट इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मेल में कहीं ना कहीं फिजिकल में भी दिक्कत है 60 नंबर लाने में, लेकिन मैं आपको बता दूं 60 नंबर जो है
घट भी सकता है, फिजिकल के लिए थोड़ा सा घट सकता है, ठीक है। जैसे मैंने 65 बोला है तो 2-3 नंबर और कम हो सकते हैं, या 1 से 2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा होने की गुंजाइश कम है, ठीक है, कम होने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको 2 से 3 नंबर और बढ़ जाते हैं तो आपके फाइनली क्या कहते हैं, फिजिकल आराम से निकल जाएगा। तो ये थी बात मेल की, और मैं हरियाणा और राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इसमें से +2 नंबर और बढ़ा दो, ठीक है, +2 नंबर और बढ़ा दो और फिर उसको अनुमान लगाओ। अब सबसे बड़ी बात है कि फीमेल, फीमेल का क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 60 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा? तो हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एससी और एसटी, तो क्या इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल वालों का? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी से हैं, इन स्टेटों से हैं, तो कम से कम आपके दोस्तों 68 नंबर यहाँ आने चाहिए, ठीक है, 68 तक आए तब जाके आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ आपके 67, यहाँ आपके 64, यहाँ आपके 62, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपके इतने नंबर आने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि 60 नंबर मेरे आ रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा फिजिकल होगा कि नहीं होगा। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है, जैसे नॉर्मलाइजेशन आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आपके 2 से 4 नंबर 5 नंबर बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके 55 तक नंबर आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ एक उम्मीद लगाइए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है कि उम्मीद लगा सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बचा हमारे पास मेल के लिए, तो मेल के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या हो सकता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो इनका कितना तक जा सकता है, क्या इनका हो सकता है? तो दोस्तों इनका मैं बता दूं, लगभग अगर आप इन स्टेट से हैं तो आप समझ लो 73 तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ आपका 70 तक जा सकता है, यहाँ आपका 67 तक जा सकता है, यहाँ आपका 64 तक जा सकता है। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिनके 60 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या करे, जिनके 60 नंबर आ रहे हैं, देखिए उसको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 60 नंबर आ रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में 8 से 9 नंबर बढ़ सकते हैं और उसके इतने नंबर आ सकते हैं। अब सबसे बड़े दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जिनके भी 80 नंबर आ रहे हैं यूपी से, या यूपी से 80 नंबर आ रहे हैं, दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो फिजिकल अच्छे से नहीं कर पा रहा, या तो उसका हाइट कम है, तो कहीं ना कहीं आपको वो भी एक बेनिफिट मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि रेलवे है, रेलवे RPF एग्ज़ाम है, ग्रुप डी है, तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट को भी वहाँ फ़ायदा मिलेगा, वो लोग वहाँ चले जाएंगे। और इसका जो बहाली होगा वो लास्ट 1 साल लग जाएगा बहाली होने में, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगा, 1 साल लग जाएगा। उसके पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस फलाना टिकाना इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, आप देख रहे हैं अभी राजस्थान में भी लगभग कल पता चला है कि 6,000 सीटें आ रही हैं राजस्थान में, अभी पता चला है बिहार में भी 6,000-7,000 सीटें आ रही हैं, और आपको दिल्ली में पता है कि 5,000 सीटें आ गई। तो इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो एक ही तो स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो नया लड़का आ रहा है वो थोड़ी ना कंपटीशन में ज़्यादा फाइट करेगा, फाइट तो आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोग के लिए, मैंने आपके काफ़ी डाउट क्लियर कर दिए, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपके क्या कर दिए, काफ़ी डाउट क्लियर कर दिए कि आपका कैसे सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा लगे वीडियो दोस्तों, वीडियो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं इंस्टाग्राम का लिंक भेज देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको उससे मेरे डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। 15-20 मिनट में आपके जवाब दूंगा, इसके बाद नहीं दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये मत गुस्सा, आप मतलब नाराज़ ना होइए कि मैं आपके कमेंट के जवाब नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे मैसेज के कारण मैं नहीं दे पाता। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लोगों के इतने सारे मैसेज व्हाट्सअप में ही पड़े होते कि मेरे को पहले व्हाट्सअप में देना पड़ता है जवाब लोगों को, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरे पुराने कट ऑफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जैक्टली कट ऑफ बनाया था, ठीक है, सभी स्टेटों का, मतलब एक करके, और वीडियो और मैसेज में भी आपको वो कट ऑफ मिल जाएगा, उस लिंक में जाना है और आप अपने कट ऑफ देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आप सर्वे में भी इन्वॉल्व होते हैं, उस लिंक में जाएंगे तो आप सर्वे में भी इन्वॉल्व हो जाइए, थोड़ा उस लिंक को ध्यान से पढ़िएगा तब आपको चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।